दोस्तों, मैं राजन मंडलोई फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज के जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन भी एमपीएसआई और एसएससी में जिस प्रकार की इंग्लिश या जिस लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है, उसी प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक वर्ड बोल्ड लेटर में है, वो अंडरलाइन है, उसका हमें सिनोनिम निकालना है। सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी या समान अर्थ वाला पर्यायवाची, जिसको हम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द बॉय गेव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दैट हैपेंड। तो विविड जो दिया गया है, ये अंडरलाइन है, इसका हमें पर्यायवाची निकालना है। तो विविड का अर्थ होता है चमकीला या चमकदार। तो सारे वर्ड्स को यदि आप देखोगे तो ब्रिलियंट इसका सिनोनिम निकला, क्योंकि ब्रिलियंट का अर्थ भी चमकदार या चमकीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस टूर। इसमें कंपलसरी जो वर्ड है, ये अंडरलाइन है, इसका अर्थ होता है जरूरी, है ना। तो इसमें आप यदि देखोगे तो इसका सिनोनिम होगा नेसेसरी। ठीक, अगला है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द की वर्ड। इसमें जो वर्ड दिया गया है, इस वर्ड का हमें नियरली अपोजिट, अपोजिट मतलब एंटोनिम, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, अब्सोल्व, अब्सोल्व वर्ड दिया गया है। अब्सोल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त कर देना या पाप मुक्त कर देना। तो इसका एंटोनिम होगा ब्लेम, ब्लेम मतलब किसी पर दोष लगाना, आरोप लगाना। अगला है फेमिलियर, फेमिलियर का अर्थ होता है पारिवारिक। और स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजनबी, जो हमसे कोई संबंध नहीं रखता हो, जिसे हम जानते नहीं हैं, वो स्ट्रेंज। नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम, होमोनिम तो होमोनिम का अर्थ होता है सम नाम या एक जैसा उच्चारण करने वाला शब्द, उसको हम बोलते हैं होमोनिम। तो इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब ब्लैंक स्थान है, उस स्थान पर हमें सही इनमें से चूज करके पुट इन करना है। जैसे एलुसिव, एलिशिव, 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 ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, सभी का प्रोनंसिएशन एक जैसा होता है। तो सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, डिस्पाइट ऑल आवर एफर्ट सक्सेस रिमेंड। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद सफलता जो है वह मायावी या भ्रामक बनी रही। तो इसका अर्थ होता है एल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 to 198। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड विच कैन इम्प्रूव द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहने का तात्पर्य यह है कि सेंटेंस में एक फ्रेज या फिर कोई वर्ड रहेगा जो कि बोल्ड लेटर में और अंडरलाइन दिया गया है, तो उसको इम्प्रूव कर, सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या उसमें कोई चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो उसको हमें करना है। देखिए, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। तो ये जो अंडरलाइन दिया गया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यदि हम निकालें तो ये होगा कि छात्र ने शिक्षक से पूछा या कहा कि क्या आप इस पेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आएगा आस्क्ड हिज टीचर, मतलब इस पार्ट को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है 198, सुकरात वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। अब इस अंडरलाइन सेंटेंस को हम वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, MAN मीन्स सिंगुलर। अब इसका पूरा अर्थ ये निकलता है कि वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों में से उसने एक का चयन किया है, वन। तो इस प्रकार का वन ऑफ जब भी आता है तो उसमें हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो MAN के किससे रिप्लेस करेंगे, MEN से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। 199 to 200 है, इसको आप, इसमें भी ऐसा ही करना है जैसे कोई एक फ्रेजल वर्ब या फिर कोई वर्ड दिया गया है तो उसको हमें रिप्लेस करना है या इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर नो इम्प्रूवमेंट है तो उसको हमें देखना है। तो सबसे पहला है, द बर्गलर्स ब्रोक इन मिस्टर शर्मास हाउस लास्ट नाइट। तो ब्रोक इन यहाँ अंडरलाइन है, इसका अर्थ होता है अंदर घुस जाना, किसी घर में घुस जाना खिड़की से, दरवाजे से, जिसे चोर वगैरह घुसते हैं इसे। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा कि बर्गलेयर्स मिस्टर शर्मा के घर में घुस गए, तो इसमें नो चेंज, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है।
अगला है इट इज़ 10 ईयर्स सिंस आई हैव बिगेन लिविंग हियर। अब देखिए इसको ग्रामेटिकल रूप से यदि देखा जाए तो आई हैव बिगेन, इसकी तीनों फॉर्म होती है बिगिन बिगेन और बिगन। तो आई हैव बिगेन तो कभी होता नहीं है, क्यों नहीं होता है कि हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, माफ कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और उसमें वी थर्ड मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो इसको हम निश्चित रूप से चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या तो आई बिगेन कर सकते हैं या फिर आई हैड बिगन कर सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आई हैड बिगन आना चाहिए। तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, इट इज़ 10 ईयर्स सिंस आई हैव बिगन, आई हैड बिगन लिविंग हियर। ओके दोस्तों, तो आज हमने फिर से SSC और MPSI में जिस लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है उस प्रकार का एक वीडियो तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।